16 जनवरी की रात ईरान की ओर से पाकिस्तान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला बलूचिस्तान के एक इलाके में हुआ। ईरान ने कहा कि उसने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, इसलिए किया क्योंकि ये आतंकी उनके देश में आतंक मचा रहे थे, उनके लोगों की जान ले रहे थे। लेकिन पाकिस्तान खुद पर हुए इन हमलों से बौखला गया, कहा कि इन हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 बच्चियां घायल हो गई। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। 18 जनवरी को ईरान के कई इलाकों पर बम बरसा दिए। काउंटर अटैक के बाद इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। बल्कि अगर ये कहें कि दक्षिण एशिया अब ईरान पाकिस्तान की ओर देखने लगा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या इन दोनों देशों के बीच जंग होगी? चलिए जानने समझने के लिए दोनों देशों की सैनिक ताकत को भी समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों की क्षमताओं और स्थिति में काफी अंतर है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24.76 करोड़ है, जबकि मैन पावर यानी कामगार लोगों की संख्या 10.64 करोड़ है। ईरान इस मामले में काफी पीछे है। ईरान की जनसंख्या 8.75 करोड़ है, जबकि उसके यहाँ मैन पावर 4.90 करोड़ है। सेना की ताकत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास ईरान की तुलना में ज्यादा सैन्य ताकत है। इंडेक्स की रैंकिंग में ईरान 14वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 90 नंबर पर। ईरान की सेना में 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना में 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं। यानी पाकिस्तान के पास 44,000 ज्यादा सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तान ने 5,50,000 सैनिकों को रिजर्व रखा है, जबकि ईरान के पास महज 3,05,000 रिजर्व सैनिक हैं। वायुसेना की बात करें तो पाकिस्तानी सेना के पास 1,437 एयरक्राफ्ट हैं, ईरान के पास सिर्फ 551 एयरक्राफ्ट ही हैं। इनमें से भी 186 ही फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 387 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या मात्र 23 है, जबकि पाकिस्तान के पास 90 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर की तुलना करें तो इनमें भी पाकिस्तान काफी आगे है। पाकिस्तान के पास 352 और ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें भी पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि ईरान की वायुसेना में 13 अटैक हेलीकॉप्टर है। हालांकि एयर पावर में एक मामले में ईरान पाकिस्तान से आगे है। उसकी एरियल टैंकर्स की टुकड़ी पाकिस्तान से बड़ी है। ईरान के पास 7 एरियल टैंकर हैं और पाकिस्तान के पास कुल 4 ही हैं। पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग देने वाले फाइटर जेट्स 549 हैं, जबकि ईरान के पास ऐसे कुल 102 जेट्स ही हैं। अब अगर जमीनी ताकत की बात करें तो ईरान के पास जहां 65,756 बख्तरबंद वाहन है, वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 50,000 आर्बिट व्हीकल ही मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक है, जिनका सामना करने के लिए ईरान के पास 2,000 टैंक ही है। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी के मामले में भी पाकिस्तान आगे है। उसके पास 752 आर्टिलरी है, जबकि ईरान के पास मात्र 580 ही है। पाकिस्तान के पास खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी भी ज्यादा है। उसके पास 3,238 टोर आर्टिलरी है, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या 2,050 ही है। पानी के अंदर ताकत यानी नौसेना की बात करें तो ईरान के पास कुल फ्लीट 101 है, पाकिस्तान के पास 14 जहाज है। ईरान की नौसेना के पास पाकिस्तान से ज्यादा पनडुब्बी है। ईरान की सेना में 19 पनडुब्बियां हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां ही हैं। ईरान के पास 3 तो पाकिस्तान के पास 7 कॉर्वेट युद्ध पोत है। अब तमाम नजरें इस बात पर लगी हैं कि दोनों देशों के संबंध आगे किस दिशा में जाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।